वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, धाकड़ का फाइनल ट्रेलर मींस के सेकंड ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मैंने ट्रेलर देखा और बिलीव मी, ट्रेलर देखते साथ जो पहली चीज मेरे माइंड में आई, आपके माइंड में भी वही आई होगी, होप सो। चीज मेरे माइंड में ये आई कि यार ये मूवी होने जा रही है जो बॉलीवुड को बदल सकती है। जी हाँ, बॉलीवुड को चेंज कर सकती है, बॉलीवुड का नाम खराब होने से बचा सकती है। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रेलर वन भी था और अभी जो ट्रेलर टू भी आया है, दोनों ट्रेलर देखकर ना जो गूजबम्स आते हैं, जो फीलिंग्स आती हैं, वो यही कह रही हैं कि यार ये मूवी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। खैर, मूवी भी तो आएगी ना। बात करते हैं हम ट्रेलर टू की। ट्रेलर टू की भी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट दोस्तों 2.5 मिनट की थी। और सेकेंड ट्रेलर के अंदर जो मुझे चीज ऑफकोर्स बहुत ज्यादा पसंद आई है, वो दो चीजें हैं। पहला, डायलॉग्स। यार इस मूवी को डायलॉग्स बहुत ऊपर लेकर जाने वाले हैं। मुझे विलन का नाम नहीं याद, विलन का स्टार्टिंग में एक डायलॉग आता है, मुझे वो डायलॉग भी समझ नहीं आया, मजे की बात। लेकिन वो जिस वे से उसने बोला है यार, वो वे देखना गूज़बम्स आ गए थे टोटली, बिलीव मी गूज़बम्स। स्टार्ट जैसे ट्रेलर टू स्टार्ट होता है और वो डायलॉग वो विलन बोलता है, तो गूज़बम्स आ गए थे, मजा आ गया वो डायलॉग सुन के। और सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं, ट्रेलर के मिड में भी कुछ डायलॉग्स थे जो कि आउटस्टैंडिंग थे। मींस के मेरा मतलब कहने का ये है कि जो मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने डायलॉग्स पे काफी ज्यादा ध्यान दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, दूसरी इस ट्रेलर के अंदर जो मुझे बहुत ज्यादा चीज इंप्रेसिव लगी है, वो है कंगना की फाइट। यार नेक्स्ट लेवल होने वाली है। मींस के आज से पहले अगर आप कंगना की जितनी भी मूवीज देख लें, ऐसी फाइट सीन्स नहीं देखने को मिला। ऑफकोर्स दोस्तों, मूवी की स्टोरी लाइन एक एजेंट बेस पे घूमने वाली है, वो किसी को पकड़ेंगे, स्टोरी तो हमें पता है, लेकिन अब इस स्टोरी को कितना इंप्रेसिव किया जाता है, कितना निखार के हमें पेश किया जाता है, हम कितना अट्रैक्ट हो पाते हैं, वो डिपेंड करता है। क्योंकि जो ट्रेलर आया, ट्रेलर वन और ट्रेलर टू, दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव हैं। अब भले ही ट्रेलर 2 मिनट या 3 मिनट के थे, लेकिन हम इनमें खो के रह जाते हैं। मैं तो खो के रह गया था। क्यों दोस्तों? बहुत से ट्रेलर भी ऐसे होते हैं जो बोरिंग होते हैं, देखने का मजा ही नहीं आता, लेकिन इन ट्रेलर्स को देखने का भी एक नेक्स्ट लेवल फील आ रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर बनने जा रही है दोस्तों, मुझे तो यही लग रहा है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है और आप लोगों को ट्रेलर टू कैसा लगा? और हाँ, ट्रेलर यार एक चीज तो भूल ही गई, ट्रेलर दोस्तों जिस तरह से स्टार्ट होके एंड तक जाता है, मींस के स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल, फिर आहिस्ता आहिस्ता फाइट सीन भी बढ़ते जाते हैं और बीजीएम भी सिंपल से एक्शन में चेंज होके एंड तक जाता है और एक्शन एंड पे फुल एक्शन आता है, ये वे मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को मुझे बताओ कि ट्रेलर टू में क्या अच्छा लगा और ट्रेलर टू कैसा लगा और मूवी आप लोग देखने जाने वाले हो 20th of May को या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ये अभी तक की छोटी सी वीडियो, आपसे वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज़।